हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एजिनफर्मा। दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास उस बिजनेस का आइडिया होना जरूरी होता है। अब दुनिया में इतने सारे बिजनेस है कि कौन सा बिजनेस करे, कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे में एक बिजनेस आइडिया में ऐसा बिजनेस आइडिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो मात्र आपका जो एक तरह से समझ जाइए कि इतना लो इन्वेस्टमेंट है, 1500 रुपये एक्टिवेशन चार्ज लगेगा, जेन्युइन बिजनेस है और इसका जो फ्यूचर सबसे ज्यादा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप ये भी समझ सके कि इस बिजनेस को करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। देखिए, मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों डोमेन रीसेलिंग के बारे में। अब इस वीडियो को स्किप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि ये बिजनेस क्यों आगे बढ़ेगा, इसका फ्यूचर ब्राइट कैसे है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये इंटरनेट बेस्ड है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, देखिए अभी आप अपने चारों तरफ देखिएगा, आज से 5 साल पहले उठा के देख लीजिए और अभी देख लीजिए इंटरनेट के फील्ड में कितना ज़्यादा एकदम ग्रोथ हुआ है। और ऐसा ही दोस्तों पूरे दुनिया में जो है इंटरनेट बेस्ड बिजनेस जो है धीरे धीरे जो बढ़ रही है। अब कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है तो वो अपना जो है वेबसाइट जरूर बना रहा है, वो अपना डोमेन परचेज कर रहा है, वो अपना जो है होस्टिंग परचेज कर रहा है। ऐसे में आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, देखिए पूरे दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे जो है डेवलपर को देते हैं कि नहीं चलिए भैया मुझे जो है एक वेबसाइट बना के दीजिए। वो वेबसाइट डेवलपर क्या है कि वो सीखे हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है या वेब डेवलपमेंट कंपनी है, वो जो है उसके पास टीम है, लेकिन उसको भी अगर वेबसाइट बनाना होगा तो ऐसे में डोमेन को रजिस्टर करना पड़ेगा, वेब होस्टिंग को परचेज करना पड़ेगा, ये दो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे में आपके पास ये मौका सबसे अच्छा है कि आप जो है डोमेन ही रीसेल करना शुरू कर दीजिए। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है डोमेन सेल कर रही है, उसका जो है रिसेलर प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फायदा ये होगा कि आप भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप अपने आप को अलग ब्रांड को रूप में जो है सबके सामने रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डोमेन रजिस्ट्रार है, वहां पे लोग डोमेन आके रजिस्टर करते हैं, खरीदते हैं, आप भी अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो खरीदते होइएगा। तो सोचिए कि आपके दिमाग में ये चलता हो नहीं, क्या मतलब ऐसा क्या किया जाए कि आप भी उसी के जैसा जो है एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें लाखों रुपया का खर्चा है, करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तब जाकर के ऐसा बिजनेस होगा। लेकिन वही चीज जो है सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आप रीसेलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सिर्फ जो अकाउंट एक्टिवेशन चार्ज है वो 1500 रुपया लगेगा, वो भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो है बल्क में डोमेन परचेज कर लीजिए, बल्क में होस्टिंग परचेज कर लीजिए और उस होस्टिंग और डोमेन को जो है आप अपने अनुसार रेट जो है फिक्स कीजिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी बिजनेस आप देखते होइएगा, ऑफलाइन बिजनेस की बात करता हूँ तो क्या होता है कि लोग जो है बिजनेसमैन जो है बल्क में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां यही करती है दोस्तों, बल्क में उस प्रोडक्ट को खरीदे, उनको पड़ गया सस्ता और इसके बाद मार्केट में जो है रिटेलर के रूप में एक तरह से जो है महंगा बेचते हैं, मतलब कि अपना प्रॉफिट काट करके वहां पे बेचते हैं और इस तरह से उनका बिजनेस चलता है। तो यहां पे भी सेम टू सेम आपका यही रहेगा कि आपको बल्क में जो है होस्टिंग, इसके बाद डोमेन, ये सब परचेज करना पड़ेगा और इसके बाद जो क्या होगा कि आप वहां पे अपना प्राइस फिक्स कीजिए और अपना प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ सेट कीजिए और इसके बाद मार्केट में बेच सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ये होगा कि मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर हैं तो ऐसे में उनको बीट करने के लिए आपको जो है प्राइस थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, सर्विस अच्छा देना पड़ेगा। तो रही बात अब सर्विस की, तो सर्विस का टेंशन आपको नहीं लेना है, ये जिसका प्रोग्राम ज्वाइन कीजिएगा उस कंपनी का रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक तरह से समझिए व्हाइट लेवल ब्रांडिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, आपका डोमेन रहेगा, आपका कंपनी का नाम रहेगा और जो यूजर आएंगे आपके वेबसाइट पे या आपके जो कंपनी एस्टेब्लिश कीजिएगा जो वेब होस्टिंग या डोमेन रीसेलिंग का, वहाँ पे जो आएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी और का प्रोग्राम लेकर के आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको लगेगा कि आपसे परचेज वो कर रहे हैं, सब कुछ आपके नाम का होगा, उनको एक थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं होगा कि वो किसी और कंपनी के या किसी और जो है मतलब वेब होस्टिंग कंपनी है, डोमेन रिसेलिंग कंपनी है, उनके थ्रू जो है आप उनको सर्विस दे रहे हैं। ये कमाल का बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसको जो है अगर आप वेब डेवलपर हैं, वेबसाइट के फील्ड में आना चाहते हैं या लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे में इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है रिसेलर क्लब पे जाना पड़ेगा, वैसे मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, यहाँ पे जाकर के आप जो है इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। समझने के बाद सारा कुछ रीड करने के बाद अगर आपको
लगता है कि नहीं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, तो ऐसे में इसको देर नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो है मतलब कहा जाता है ना कि जो काम आपको करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अभी कर लीजिए। आप सिंपली सी बात है, इसका जो है अपॉर्चुनिटी, बिजनेस स्कोप सब कुछ मैं बता दिया कि आने वाले समय इंटरनेट बेस्ड है, तो ऑब्वियसली है कि जो यहाँ पे जो है आपको जो है कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात है तो यहाँ पे बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि आपको उतना टेंशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो वहाँ पे सर्विस मायने रखता है, तो सर्विस के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, सारा का सारा जो है बैक एंड में जो है टीम सपोर्ट करेगी, बिलिंग का सॉफ्टवेयर जो भी काम रहेगा सारा का सारा पीछे में काम होता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप लोग से एक चीज मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको कैसे सेटअप किया जाए, ये कैसे काम करती है, ये सारा ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ आप ट्यूटोरियल जो है सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है अलग से सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा कैसे आप जो है कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके लिए भैया कमेंट आपको करना पड़ेगा। और हाँ, इस वीडियो को अगर पसंद आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।